Hey guys, welcome back to a new vlog. तो guys, आज का जो vlog है भाई बहुत ही जोश से बहुत ही जान से भरा हुआ है because भाई आज का जो vlog है भाई आज तारीख है भाई 2 सितंबर भाई 2 तारीख है आज और आज क्या है भाई आज क्या है भाई आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का मैच भाई साहब इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान की बॉलिंग भाई बहुत तगड़ा बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला भाई आज देखते कौन जीतते भाई इंडिया इज इन द फॉर्म भाई इंडिया इज इन द फॉर्म इंडिया भाई साहब आज कांड करने वाला है पाकिस्तान की आज बैंड बजने वाली है लेकिन भाई लेकिन 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 भाई पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते भाई नहीं कर सकते पाकिस्तान की बॉलिंग सईद शाह अफरीदी नसीम शाह हैरिस रॉफ भाई साहब आज कांड होने वाला है भाई टक्कर का भाई साहब कांटे का मुकाबला होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला आज भाई साहब 2 तारीख को 2:00 मतलब मैच शुरू हो जाएगा और भाई देखते है कि कौन जीतता है भाई इंडिया आज जीतना है इंडिया को जीतना भाई इंडिया आज जीतेगा इंडिया का जीतना पक्का है भाई मौका 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 पाकिस्तान रेडी हो जाओ इंडिया से टक्कर का मुकाबला खेलने के लिए हमारी टीम में कौन है भाई हमारी टीम में कौन है बूम बूम बूमरा सिराज और कौन है भाई प्रसिद्ध कृष्णा और कौन है भाई विराट कोहली द किंग कोहली और कौन है भाई रोहित शर्मा और कौन है भाई मतलब भाई लाइन लगी हुई है लाइन तो देखते क्या होता है भाई इंडिया इंडिया और अभी का प्लान ये है कि भाई मैं अभी जा रहा हूँ अपना लैपटॉप लेने के लिए रुद्रपुर बिकॉज अपना लैपटॉप जो है वो ठीक तो नहीं हुआ है बट उसमें एक कांड हो चुका है कांड क्या हुआ है वो कांड ऐसा कांड है कि आपको बताऊंगा मैं बाद में लेने के बाद या शायद कल के व्लॉग में तो फिलहाल अभी जो अपना लैपटॉप जो खराब पड़ा हुआ है उसको लेकर आते हैं ठीक है अपना बैग रेडी है इस बैग के अंदर डालेंगे हम ओम के कपड़े बिकॉज ओम गया हुआ है स्कूल तो ओम को उठाएंगे सीधे स्कूल से बस से नहीं आएगा वो सीधे स्कूल से उठाएंगे और उसको ये बनाएंगे ठीक है मतलब गाड़ी में ही अपने कपड़े चेंज कर लेगा वो और अपने बैग के अंदर अपना सिस्टम है सिस्टम क्या है ड्रोन वगैरह है अगर यूज़ होगा तो फ्लाई कर लेंगे बाकी तो चलते भाई चलते हैं इसको डालते हैं आगे की जेब में और अभी फिलहाल निकलते हैं चलो सामने भाई इज इंडिया रेडी है भाई इंडिया रेडी है आप गेम तो शुरू करो पहले एशियन चैलेंज भैया आप गेम शुरू करो इंडिया आज तोड़ने वाला है आज कांड करने वाला है इंडिया इंडिया आज पर्दे फाड़ने वाला है भाई पर्दे फाड़ने वाला है इंडिया मम्मा आज कौन जीतेगा इंडिया कौन जीतेगा इंडिया मैच है कौन सा मैच इंडिया पाकिस्तान का क्या क्या कौन सा मैच है वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप है एशिया कप क्या है T20 नहीं है एशिया कप है इसमें 6 टीमें खेल रही है जो एशिया की टीम है ना मतलब नेपाल बांग्लादेश अफगानिस्तान श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान सिर्फ 6 टीमें खेल रही है अच्छा। और 6 टीमों में से एक विनर निकलेगा एशिया चैंपियन जो एशिया कप का चैंपियन होगा टूर्नामेंट चलेगा 1 महीने फिर आएगा अगले महीने वर्ल्ड कप जो 4 साल में आता है आज इंडिया कौन जीतेगा इंडिया तो फिलहाल मम्मा भी निकल रहा हूँ चल बोल इंडिया 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 भाई साहब जल्दी बाजी में जूते भी मैंने ऐसे पहन रखे देखो ये क्या कहूँ मैं क्या कहूँ और भाई सामने आ चुके अपने ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर ये देखो भाई ये देखो ओए होए गाड़ी आते हुए अरे मार दो आज मार दो मेरी बोतल गिर गई मेरी बोतल गिर गई भारत भाई मेरी टांग तोड़ दिया आपने यार गलत बात कर रहे हो ये लोग गंदी गंदी हो गई रे हैप्पी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन जीतेगा आज इंडिया पक्की बात है गारंटी है इन्होंने तो पैसे भी लगा रखे हैं कितने लगाए अंदर की बात है क्यों चलो तो भाई अभी हम फिलहाल जा रहे हैं ओम के स्कूल ओम को उठाने के लिए ओम को स्कूल से उठाएंगे उसको मस्त कपड़े पहनाएंगे और कपड़े पहना के हम चलेंगे घूमने के लिए इसी बहाने हम अपना लैपटॉप भी लेंगे और घूम भी लेंगे ये ओम के स्कूल के बच्चे जा रहे हैं ओम की बस आते हुए सामने से भाई इस बस अब ओम पक्का यहीं कहीं आसपास बैठा होगा लिख के ले लो आप अबे कहाँ गया ये ओम कहाँ है भाई ओम कहाँ है अबे ओम कहाँ है ओम गया भाई यहाँ से तो ओम की बसें निकल रही है बैक टू बैक ओम कहाँ है लेकिन मैम ये मिधांश पांडे है अंदर हाँ क्लास 10C में 10C में आज वो बसें नहीं गया ना मिधांश पांडे क्लास 10C में आज बसे नहीं गया वो आज भाई ओम स्कूल में प्रैंक कर रहा है हमारे साथ वो पक्का बस में भाग गया लिख के ले लो आप बस में भाग गया भाई वो बस में भाग गया वो आज वो हम ढूंढने आज उसको अबे कहाँ है भाई ये सामने बच्चे कैसे आ रहे है सारी बुक फेंक दी इसने अपनी भाई साहब हैं बिग फैन अरे वाह थैंक यू क्या नाम है आपका आप बड़े क्यूट हो यार वेरी गुड क्या नाम है एवेंजर कमल सिंह बिस्ट अच्छा अच्छा क्या काव्यान सिंह बिस्ट तो भाई आ चुका है ओम आ चुका है सामने से आ रहा है वो ये आ रहा सामने से आ रहा है कहाँ से आ रहा है भाई मास्क तो उतार दे भाई ए हीरो
पिछली बार मैं गेट पे आ गया डायरेक्ट क्योंकि ये जल्दी आ गए। आज आप लोगों को आने में लेट हो गया तो मेरे को रिसेप्शन में बैठा दिया। मैं पूछने गया कि आप, मेरे को लगा आप रिसेप्शन में आके चले गए। फिर मैं जैसे ही आ गया उन्होंने दबोच मेरे को बैठा दिया। चल कोई नहीं, ऐसे बाहर आना अलाउड नहीं है ना। चल कोई नहीं, ले तेरे कपड़े पकड़ 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 पकड़। जे बंद कर, जे बंद कर। चलो भाई, चलो भैया। और भाई आपके साथ लेट हो जाता है यार भाई को। अरे उस दिन मैं जैसे ही गेट से टक से मिल गए बाहर। 2 बजे तक घर से निकल के आया बाहर। कौन ये? अरे बाकी तो कपड़े पहले ही। जल्दी कर, जूते नहीं लाया यार। जूते नहीं लाया, ले लो रास्ते से। जूते नहीं लाया यार, रास्ते ऐसा नहीं होता भाई। ये क्या है ये? सॉरी, दिमाग खराब है आपका। जूते नहीं लाया यार, शिट। जल्दीबाजी में गलत तीन हो गया तो। चलो कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं, चप्पल लो रास्ते से। चल अबे, कोई इतना पैसा नहीं मेरे पास। मैं ये नहीं पहनूंगा, इतना पैसा नहीं मेरे पास। मैं जूते नहीं पहनूंगा। नहीं, चप्पल लो रास्ते से। मैं जूते नहीं पहनूंगा भाई, मैं नंगे पैर रह लूंगा। ठीक है, नंगे पैर ले। अरे ओ तो भाई, अभी हम आ चुके हैं KFC में। यहाँ पे ओम करेगा अपने कपड़े चेंज, इन द सेंस की नीचे से पैंट वैंट पहनेगा और फ्रेश फ्रूश उठाएगा। जाना कहाँ, जाना कहाँ? चलो ओम, 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 तेरे लिए है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं मस्त से अपने बाथरूम में और यहाँ पे ओम कर रहा है अपने कपड़े चेंज। हाँ हाँ, लगा लो कैमरा ऊपर से, यही तो रह गया है। फोटो ले रहे, कितनी फोटो ले रहे हो? स्कूल से क्या गेड़ी मार रहा है भाई, स्कूल से निकल रहा है, कपड़े पहन रहा है, 16 से एग्जाम है, हाँ फेरली, तब भी मजे कर रहा है। भयंकर लोग गाड़ी पार्क करते हैं, शॉपिंग करते हैं, हम जा रहे हैं बाथरूम के अंदर कपड़े चेंज कर रहे हैं। डीजल डालना है 1000 का, लेकिन पैसे नहीं है भैया। हेलो डाल रहे भैया, समझ रहे मजे ले रहे करके भैया, समझ रहे कि मजे ले रहे भैया। अरे भैया, हमारे प्यारे प्यारे भैया है यार, स्मार्ट भैया, हमारे स्मार्ट भैया। ओके भैया, कितने का बिल आया? लिखा नहीं अभी। अच्छा ही लिखा है। कितने का? 1000। तो भाई अभी हो चुका है टॉस और इंडिया ने टॉस जीत लिया। भाई भाई कौन जीतने वाला है? ओम भाई, इंडिया ऑफ कोर्स भाई, क्या पूछने की बात है इसमें? पक्की बात है, पक्की बात है यार। और अगर गलती से हार गई तो इंडिया क्या करेगा? भाई इंडिया हारे या इंडिया जीते, इंडिया इंडिया है, ठीक है। अगर इंडिया हार भी गया ना तो उसके लिए तैयार भाई यहाँ पर था, यहीं पर रहेगा। वैसे भाई इंडिया का जीतना पक्का है, वो फॉर श्योर है कि भाई इंडिया जीतेगा। और भाई सामने आ चुके अपने स्कूल की बस, DAV। तो भाई सच्ची बोल रहा हूँ, कुछ नहीं खा रखा है घर में, ना ओम ने, ना मैंने, ना पारस भाई ने। कुछ खाने का देख लेते हैं भाई। खाने का तो यहीं पर है, चिप्स वगैरह। तो खाने में ले लेते हैं हम, एक ही ले लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हो गया भाई। मैम ये 3 चीजें, एक ये भी ले लेते हैं। तो भाई फिलहाल अभी मैंने ये ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स। पारस भाई एंजॉय, मेरे लिए आया सारा। तो भाई जो हम मोमोज खा रहे हैं भाई, जो हम पार्टी कर रहे हैं, पार्टी इंडिया की जीतने की खुशी में कर रहे हैं भाई। इंडिया जीतने वाली है, एडवांस में पार्टी कर रहे हैं, आपकी इंडिया जीतने वाली है तो पार्टी हो रही है एडवांस में। कहां और किसमें हो रही है? एडवांस पार्टी कर रहे हैं भाई, क्योंकि भाई इंडिया का जीतना पक्का है तो पार्टी करते हैं भाई। पहले पार्टी कर रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं मस्त। चलो भैया पहुंच गए। चलो भाई गर्मी। तो भाई फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं मॉल में, जहाँ मेरा लैपटॉप है। यहाँ से उठाएंगे अपना लैपटॉप और भाई ये आ रहा है अपने स्कूल के जूते पहन के, ये देख लो भाई। कोई बात नहीं, चलो भाई चलते हैं अंदर अभी। अरे भैया यहाँ तो लिफ्ट खराब हो गई, लिफ्ट खराब हो गई। अंकल जी ऊपर जाए कैसे? चल के चढ़ना पड़ेगा। अरे भैया जी लिफ्ट खराब हो गई रे। चलो अरे भागो 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 भागो, क्या गरीबी आ गई यार। तो भाई सामने है QDG सर्विसेज, यहाँ पर अपना लैपटॉप है भाई, यहाँ से उठाते हैं लैपटॉप। भाई साहब फिलहाल अपना लैपटॉप ले लिया है। लैपटॉप क्या कर फेंक रहे हो? अरे फेंको मतलब क्या कर रहे, दिमाग खराब भाई साहब, यहाँ से फेंक रहे हो नीचे। भाई खराब पड़ा है, सही नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो बताऊंगा आपको मैं कल के ब्लॉग में। फिलहाल अभी चल रहे हैं। बहुत गम की बात है,
चलो बहुत गम की बात है एक नहीं सही तो नहीं हुआ ये लेकिन इससे भी बड़ी गम की बात है भाई एक कि इंडिया के 3 प्लेयर आउट हो चुके हैं कोई बात नहीं लेकिन जीत तो इंडिया की है कद्दू की जड़ इंडिया की है विराट कोहली आउट हो गया रोहित शर्मा आउट हो गया श्रेयस अय्यर आउट हो गया विराट कोहली की विकेट और रोहित शर्मा की विकेट ली है सचिन अफरीदी ने बोल्ड मारा है और अय्यर की विकेट ली है हैरिस रौफ ने कैच आउट मैंने सब देखा भाई अपनी आंखों से देखा मैंने सर्विस सेंटर में बैठ के मैं ये देख रहा था यार तो भाई फिलहाल अभी ड्राइव कर रहा मैं पारस भाई की गाड़ी मस्त अपनी किया सोनेट तो पारस भाई ड्राइव कर लूं पक्की बात है डर तो नहीं लग रहा कहीं देखो जिसकी गाड़ी होती है डर तो लगता है झूठ क्या बोलूंगा ठीक है आराम से सेफली चलाओ ठीक मना चलो, चलो अब करते हैं ड्राइव पार्किंग मोड में वैसे भी तो गम भी हो रहा है बहुत इंडिया टीम हार रही है कहीं मैं गाड़ी पेल पाल ना दूं जीतेगी पक्की बात है पैसे लगाए तो जीतेगी क्या कर रहे हो हीरिए 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 चलो भैया जी रात में पहुंच रहे अपने घर रात में पहुंच रहे ऑलमोस्ट 8:30 बजे मैं तो सुबह से स्कूल से पहुंच रहा हूं भाई साहब रात में घर पहुंच रहे भाई 8:30 बजे रात के भाई 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 फिर मिलेंगे मिलेंगे तो भैया जी खाने में है भिंडी की सब्जी और रोटी मम्मी ने खाना बना दिया है और भैया जी मम्मी खाना खा रही है लेकिन हम खाना खाएंगे थोड़ी देर बाद भाई मैं घर पहुंच चुका हूं अपना लैपटॉप लेके और भाई रास्ते भर में मैच देखते हुए आया हूँ भाई साहब पाकिस्तान ने क्या बॉलिंग करी है इंडिया की बैटिंग लाइनअप की भाई साहब कमर तोड़ दी भाई रोहित शर्मा शुभमन गिल विराट कोहली श्रेयस अय्यर भाई साहब सब आउट 50 ओवर में 4 विकेट निकल चुकी थी बट फिर आए भाई ईशान किशन और हार्दिक पांड्या तो उन्होंने भाई क्या खेला भाई जबरदस्त खेला भाई छक्के चौके भाई साहब इंडिया की पारी को संभालने वाले ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ही है दोनों ने बहुत तगड़ा खेला और लास्ट में जो इंडिया का स्कोर आया वो आया 266 रन मारे अगेंस्ट पाकिस्तान तो भाई मतलब ये है कहानी कि जितनी उम्मीद थी उतना स्कोर तो नहीं मार पाई इंडिया बट जो हालत हो गई थी इंडिया की भाई 50 पे 4 विकेट उसके हिसाब से काफी अच्छे रन है बल्कि भाई इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए भाई पाकिस्तान ने 48.5 ओवर में ही इंडिया को ऑल आउट कर दिया लेकिन चलो कोई बात नहीं तभी अच्छा स्कोर मारा इंडिया ने एक ऐसा स्कोर है कि भाई हम पाकिस्तान को रोक सकते हैं ये स्कोर बनाने से और पाकिस्तान को एक टक्कर का मुकाबला दे सकते हैं भाई हम बिकॉज वी हैव द गुड एक्सपीरियंस बॉलर्स वी हैव सिराज वी हैव बूम बूम बुमराह तो भाई ये सारा काम खराब कर सकते हैं पाकिस्तान का तो बस यही है फिलहाल कि भाई बारिश वगैरह बहुत हो रही है भाई पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ कि भाई बारिश नहीं रुक रही भाई बारिश नहीं रुक रही क्या करे भाई तो भाई साहब रोहित शर्मा ने मारे 11 रन शुभमन गिल ने मारे 10 रन विराट कोहली ने मारे 4 रन श्रेयस अय्यर ने मारे 14 रन ईशान किशन ने मारे 82 रन हार्दिक पांड्या ने मारे 87 रन रविंद्र जडेजा ने मारे 14 रन शार्दुल ठाकुर ने मारे 3 रन कुलदीप यादव ने मारे 4 रन जसप्रीत बुमराह ने मारे 16 रन और मोहम्मद सिराज ने मारे 1 रन पूरा स्कोर मतलब इस मैच में जिन्होंने दमदार बल्लेबाजी करी है ना वो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या 87 रन भाई इतनी उम्मीद तो मेरे को हार्दिक पांड्या से नहीं थी जितनी उसने रन मार दी भाई कसम से भाई वो भी अगेंस्ट पाकिस्तान भाई साहब पाकिस्तान नीड्स 267 रन रेन स्टॉप्ड प्ले इंडिया ने खेला बस 48.5 ओवर और टोटल रन मारे इतने क्या हो गया भाई मैच कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन भाई मैच ही रद्द हो गया यार थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्ट्रीम हैज एंडेड आया बड़ा भयंकर हट दिमाग खराब कर दिया ये क्या था भाई पिछले 3 घंटे से बैठा हूँ टीवी के सामने कि मैच शुरू होगा भाई मैच ही रद्द कर दिया दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिए इंडिया को पाकिस्तान को इतना बड़ा मैच बिगेस्ट राइवलरी ऐसे नहीं होना चाहिए था भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई मैच ही नहीं हुआ भाई कोई तो जीता पाकिस्तान क्या बोलूँ मैं मम्मा इतना अच्छा मैच आ रहा था इंडिया पाकिस्तान का वहाँ बारिश हो गई श्रीलंका में और मैच ही रद्द हो गया आज इंडिया का जीतना पक्का था पाकिस्तान के साथ लेकिन कैसे होता जब एक ही पारी में खेला और दूसरी पारी खेली नहीं पाई तो कैसे अब दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिए चलो भाई अब क्या ही कर सकते भाई खाना खाते हैं और बस अभी करते हैं ब्लॉग को एंड अगर आपको ब्लॉग देख के मजा आया कुछ चेहरे पे स्माइल है अपने एंजॉय करा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलते कल सुबह टिल देन गुड बाय गुड लक टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन कल सुबह तैयार रहना तब तक के लिए बाय भाई मैच तो हुआ नहीं अब देखो क्या होता है भाई 10 तारीख को दोबारा मैच इंडिया पाकिस्तान का वो देखेंगे होप उसमें बारिश ना हो बस बाय